बहुत बड़ा कार्यक्रम है और पूरे मध्य प्रदेश में इसको बड़े ही सुनियोजित तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशानुसार किया जा रहा है और इसे मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग के तत्वाधान में, जिसे जनजाति विभाग ने देखा है और श्रीमती उषा ठाकुर जी के कर कमलों द्वारा इसका शिलान्यास किया गया था और इसे हर जिले में लगभग किया जा रहा है। आज ये रीवा जिले के मऊगंज इलाके में किया जा रहा है, ये नया जिला भी बना है मऊगंज, लेकिन अभी ये रीवा कलेक्ट्रेट के अंदर ही आता है। तो मैं रीवा कलेक्ट्रेट का भी धन्यवाद देता हूँ, मैडम का भी धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इस कार्यक्रम को करने के लिए ये जगह हमें दी और संस्कृति विभाग इस आयोजन को करवा रहा है। और हम रीवा से आए हैं, हमारा पूरा दल आया हुआ है। आज यहाँ पर शबरी लीला का मंचन होगा। भगवान श्री राम की अनन्य भक्तों में से एक थी माता शबरी, जिनके लीला प्रसंगों को आज यहाँ पर प्रस्तुत किया जाएगा। 1 घंटे 40 मिनट की ये लीला है और इसका संगीत जो है मिलिंद त्रिवेदी ने किया है, इसके लेखक योगेश त्रिपाठी हैं और इसके निर्देशक विनोद कुमार मिश्रा यानी कि मैं स्वयं हूँ। और इसके पहले, इसके पूर्व में हम लोगों ने इसके लगभग 18 या 19 मंचन कर चुके हैं, आज ये 19वां मंचन होगा यहाँ पर। और मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर जो भी दर्शक हैं लगातार ये 11, 12 और 13, कल यहाँ पर निषाद राज का प्रस्तुति होगा और उसके बाद लक्ष्मण चरित्र का होगा 13 तारीख को, तो ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ के लोग जो हैं वो आएँ और इस लीला का आनंद लें। नमस्कार सर, ये क्या कार्यक्रम हो रहा है, थोड़ा सा विस्तार से बताइए। नमस्कार सर जी, मध्य प्रदेश शासन सांस्कृतिक विभाग का प्रतिष्ठान है ये, जिसके द्वारा ये आयोजित है। भगवान श्री राम की वनवासी लीला का वर्णन किया गया है। भगवान राम अपने वनवास के दौरान विभिन्न तरह के संवर्गों, विभिन्न तरह की जातियों का न किसी तरह का भेदभाव रखा, न महिला पुरुष आदि में संवर्ग भेदभाव नहीं रखा, सभी को समान रूप से देखते हुए उन्होंने अपने वनवासी लीला के कार्यक्रम को संपादित कर पुनः अपना उनका राज्याभिषेक हुआ। इस कारण प्रत्येक समुदाय, वर्ग, जात, लिंग सभी लोग उनको अपना आराध्य देव मानने लगे और वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के रूप में प्रतिष्ठान हुए और आज हमारे आदर्श हमारे अनुकरणीय हैं। उन्हीं को की लीला का वर्णन करने के लिए, कि हम सबको प्रदर्शित करने के लिए, हम लोगों को पथ प्रदर्शन करने के लिए एक इस कार्यक्रम का आयोजन इस मऊगंज में किया गया है। सर, मऊगंज की जनता को क्या कहना चाहेंगे आप? मऊगंज की जनता हमारी नए जिले के निर्माण के पश्चात जो ये कार्यक्रम हो रहा है वो जिले स्तर का कार्यक्रम हो रहा है, तो जब से जिला घोषित हुआ है तो मऊगंज जनता बड़ी उत्साहित है और प्रत्येक कार्यक्रमों में बढ़ चढ़ कर भाग लेती है और उसको हर कार्यक्रम में जिला का रूप दिखाई देता है, इसलिए इनकी सहभागिता बढ़ चढ़ कर रहती है। तहसील से बढ़ करके ये आगे सम्मिलित होते हैं, इनकी विचारधाराएं उच्च कोटि की रहती हैं और इसको बड़े सकारात्मक रूप से लेंगे और सबकी सहभागिता रहेगी और बड़ा अच्छा सहयोग मिलेगा इस सब प्रतिष्ठान को, ये मेरी उम्मीद और आशाएँ। धन्यवाद। नमस्कार भैया। नमस्कार भाई साहब। नमस्कार, क्या हो रहा है यहाँ पे? यहाँ पर आज नाटक सबरी लीला का मंचन होना है, उसी की तैयारी चल रही है। ये जो आज का मंचन है ये नाटक सबरी लीला पर है। सबरी रामायण की एक ऐसी पात्र हैं जो कि भील जनजाति में पैदा होती हैं, पर उनका मन भगवान राम की भक्ति में लगता है और वो उम्र, अपनी उम्र के आखिरी क्षण तक भगवान राम की प्रतीक्षा करती है। राम भी जब राम का वनवास होता है तो भगवान राम वन यात्रा के दौरान सबरी माता के यहाँ जाते हैं। उस समय ऐसा लगता है कि ना कि सबरी भगवान राम की प्रतीक्षा में थी बल्कि भगवान राम खुद प्रतीक्षा में थे कि कब सबरी माता के दर्शन होंगे। ऐसा भक्त और भगवान का जो मेल है और जो इसके बाद जो उनका प्रसंग निकल के सामने आता है और भगवान राम सबरी माता का उद्धार करते हैं, उद्धार शब्द यहाँ पे सही ना रहेगा दरअसल, क्योंकि भगवान राम ने खुद माता सबरी को एक ऐसा स्थान दिया है या अपने संवादों से ऐसा उनकी महिमा बताई है कि जिससे कहीं ऐसा लगता ही नहीं है कि राम एक भगवान है या सबरी एक भीलनी है। वहाँ पे सारी जो ऊंच नीच या जो भी कहा जाए सारी बाधाएं दूर हो जाती हैं। सबरी माता के जूठे बेर खाते भगवान राम, वह एक प्रेम का प्रतीक है कि प्रेम से कुछ भी परोसा जाए भगवान को तो उनको स्वीकार है। और वही माता सबरी यह बताती हैं अपने भाव से कि हमारे यहाँ जो अतिथि आते हैं उनका सम्मान हम कितनी तन्मयता से करते हैं। तो ऐसा ये प्रसंग है सबरी लीला का,
जिसका अभी थोड़ी देर बाद यहाँ मंचन होना है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं, कृपया आएं और इस चरित्र का देखें और इसका दर्शन कर लाभ उठाएं। जय श्री राम। मैं एपी द्विवेदी, SDM मऊगंज, सभी नागरिकों को अवगत कराना चाहता हूँ कि मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग के तत्वावधान में वनवासी लीला का 3 दिवसीय आयोजन यहाँ मऊगंज के CM राइज स्कूल के ग्राउंड में हो रहा है। इसमें आज प्रथम दिवस भक्तवती शबरी का चरित्र, फिर कल निषाद राज का चरित्र है और समापन 13 तारीख को होगा, जिसमें लक्ष्मण चरित्र की लीलाओं को आप सबको जानकारी देने के लिए कि भगवान राम का इस वनवास काल में क्या रहा है, यह चित्रण संस्कृति विभाग के द्वारा आमंत्रित कलाकारों के द्वारा दिखाया जा रहा है। आप सभी से आग्रह है इस 3 दिवसीय आयोजन पर उपस्थित होकर के इसका आनंद लें, ज्ञान बांटें। आज यहाँ इस वनवासी लीला कार्यक्रम जो यहाँ पर है, 3 प्रस्तुतियाँ होनी है यहाँ पर। एक प्रस्तुति आज होगी, एक कल होगी, एक परसों होगी। मैं आपको बता दूं कि ये प्रस्तुतियाँ पूरे मध्य प्रदेश के हर जिलों में हो रही और इसको जिला केंद्रों में किया जा रहा है। मैंने जब इसकी चिट्ठी लिखी थी कि हमारा मऊगंज में भी कार्यक्रम हो, तो पत्र हमारे पास आया, जिला कलेक्टर के पास आया कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने मऊगंज को जिला केंद्र माना है और इसकी घोषणा की है, इसलिए प्रदेश स्तर की प्रस्तुतियां आने वाले समय में मऊगंज में भी की जाए और उस कारण से मऊगंज को भी जिला मान करके यहाँ पर प्रदेश स्तर की बड़ी प्रस्तुतियां शुरू हो रही हैं और ये आपके लिए, हम सब के लिए बड़ी खुशी और गौरव की बात है। थोड़ा प्रचार प्रसार का समय कम मिला, लोगों को सूचनाएं कम मिली हैं, मगर आज की प्रस्तुत के बाद जो लोगों के पास खबरें जाएंगी, तो मुझे लगता है कल से आखिर अच्छी बड़ी संख्या में लोग आएंगे। मैं आप सब लोगों से भी अनुरोध करूंगा कि आज इसको अपने अपने जगह जाकर के इसको प्रचारित करें। इस तरह की प्रस्तुति अपने इस पूरे प्रदेश में कहीं और देखने को नहीं मिलती है, इसलिए इसको आनंद लेना है और हमारी पुरातन संस्कृति जो है इसको जब आप देखेंगे तो ये वर्ग नहीं है कि केवल एक आनंद का विषय बस है, इसमें हमारी पूरी संस्कृति, हमारे संस्कार, हमारा सामाजिक सरोकार सब कुछ इसमें छुपा हुआ है। इसलिए इसके जो भी 1.5 घंटे 2 घंटे की प्रस्तुति है प्रतिदिन, उसको आप पूरा देखेंगे और उससे बहुत सारी चीजें सीखेंगे। आने वाले समय में इसको और भी संस्कृत विभाग यहाँ करने, मेरी संस्कृत मंत्री जी से कल ही बात हुई थी और उसमें उन्होंने बोला था कि आने वाले समय में और भी यहाँ पे बड़ी बड़ी प्रस्तुतियां यहाँ पर होंगे, बड़े बड़े कलाकार यहाँ पर आएंगे और आज यहाँ पर जो हमारी प्रस्तुति हो रही है उनको, सभी कलाकार साथियों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि वो हमारे इस मऊगंज में इस कला को प्रदर्शित कर रहे हैं, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। भारत माता की जय। जन्म सफल हो गए। आप जब चित्रकूट पहुंचे थे ना, तभी गुरुजी परम धाम चले गए, परंतु जाते जाते हमको आज्ञा दे गए कि तुम यहीं रहना, एक दिन प्रभु राम तुम्हारे पास आकर तुम्हें दर्शन देंगे, तब तुम उन्हें वानर राज सुग्रीव का पता बता देना, जो उन्हें उनकी पत्नी सीता को वापस पाने में सहायक बनेंगे। माता, आप
आपने ऐसा कहकर उनके आशीर्वाद को मुझ तक पहुंचा दिया। अब कृपा करके ये भी बता दें कि महाबली सुग्रीव हमें कहां मिलेंगे। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी आपने पूछा है, तो जो भी हमें पता है उसे बता देते हैं। प्रभु, आप कृपा करके पंपासर की यात्रा कीजिए, वहां आपकी सुग्रीव से भेंट होगी। वहीं पर आपके एक बहुत ही बड़े भक्त हनुमान से भी भेंट होगी। आपके वहां जाने से सुग्रीव का एक अपना काज भी सिद्ध होगा और आपका भी। प्रभु, आपके इस आश्वासन को मैं आपका आशीर्वाद मानता हूं। माता, बहुत कृपा हुई आपकी। शबरी माता, आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुआ। अब हमें आज्ञा दीजिए माता। एक भक्त थी त्रेता युग में, हे जपति हरि नाम। दर्शन पाकर योग अग्नि में जा पहुंची श्री धाम। जो कि वाल्मीकि बने थे जी, आपको मऊगंज में कार्यक्रम करके कैसा लगा? अच्छा लगा, मजा आ गया। ये कार्यक्रम के बारे में, कार्यक्रम के बारे में मुझे लगता है कि कलाकारों से पूछने की जगह आप दर्शकों से पूछिए। दर्शकों से पूछा ज़्यादा अच्छा लगेगा। बाकी हम तो कलाकार हैं, घाट घाट में घूमते रहते हैं, तरह तरह के लोग मिलते हैं। अच्छा, जो सबसे ज़रूरी बात है वो ये है कि कोई माने या ना माने, वो किसी भी पथ पर जा रहा हो, लेकिन ये जो धर्म है, जो सनातन है, वो हमारे डीएनए में है, हमारी रगों में है। तो जब ये चीज़ें शुरू हो जाती तो जो बैठता है वो पूरा होने के बाद ही उठ पाता है। सर, गलत तो नहीं कह रहे हैं? ये बचपन से हम देखते आ रहे हैं, हमारे यहाँ बचपन से देखते आ रहे हैं। हमारे यहाँ तो अलग से आकृति नहीं गढ़ी जाती, कोई भी नदी से पत्थर उठा के लाए तो माने रख लिए, बोले ये शिव है। कोई आकार नहीं, वो शिव है। तो हम लोग तो ऐसे संस्कारों में पले पड़े हैं, तो हमको तो करके बड़ा सुख मिलता है। जहाँ तक लोग मिलते हैं तो उनसे भी वही रस मिलता है जो हम देते हैं। मऊगंज में कार्यक्रम करके कैसा लगा? मऊगंज में कार्यक्रम करके बहुत अच्छा लगा। नई जगह है और अभी ये नया जिला भी घोषित हुआ है, और जितनी जल्दी इस यहाँ की व्यवस्थाएं हुई हैं, मुझे लगता है कि शायद ये 2 या 3 तारीख को तय हुआ कि मऊगंज जिला में इस तरह का कार्यक्रम करना है। और इतना बड़ा आयोजन, मैं यहाँ के प्रशासनिक अधिकारियों का बहुत बड़ा बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जिन्होंने इतने कम समय में इतने बड़े भव्य आयोजन को सुचारू रूप से करवाने में हमारे मदद करी, सरकार की मदद करी। और हम सब कलाकारों की यहाँ पर बढ़िया व्यवस्था हुई, रुकने की अच्छी व्यवस्था है, जल पान की व्यवस्था है, और दर्शक भी बहुत अच्छे थे, बड़े मन से देख रहे थे नाटक को, लीला को बहुत अच्छे से देख रहे थे, भगवान के जयकारे लगा रहे थे। यहाँ की जनता को जय श्री राम। जय श्री राम भैया। आप बड़ा सुखद रहा, बड़ा अच्छा रहा,
सबसे ज़्यादा तो यहाँ के जो लोग हैं वो बहुत ही अच्छे हैं, उनका सपोर्ट बहुत मिला हम लोगों को, और उनके सपोर्ट से ही जो कलाकारों के अंदर ऊर्जा थी, जो एक अच्छा अभिनय के साथ इस कथा को मंचन कर पाए हम लोग, तो यही के लोगों के कारण हो पाया है। व्यवस्थाएँ बहुत अच्छी थी, और जैसा कि मैं देख रहा था मंच से दर्शकों को, तो पूरे मंत्रमुग्ध हो गए थे। और ये कथा का उद्देश्य ही यही है कि जो साधारण व्यक्ति है वो कैसे भगवान को पा सकता है। भगवान का अर्थ ये कहेंगे जो सर्वशक्तिमान है, चाहे वो किसी भी रूप में, तो एक साधारण से व्यक्ति का उस परमात्मा का जो मेल है, जिस आचरण से, जिस श्रद्धा से या भक्तिभाव से हो सकता है, उसके ऊपर ये कथा थी। ये कथा कह देती है कि कोई भी छोटा या तुच्छ नहीं है, वो अगर अपने कार्य अच्छे से करे और उस भक्ति से करे तो वो भगवान तक बड़े आसानी से पहुंच सकता है। ऐसी कथा का ये जो मर्म है वो शायद दर्शकों तक पहुंचा है, और दर्शक बिल्कुल भक्तिमय हो गए हैं, भलीभूत हो गए हैं। ऐसे दर्शकों को हम सब की तरफ से राम राम है, प्रणाम। आज के कार्यक्रम में सभी जितने भी पात्र थे सबका अभिनय बहुत सराहनीय रहा, और खासकर जो छोटे बच्चे बहुत अच्छा कार्यक्रम किए, और हम लोग जो है बड़े सौभाग्यवान हैं जो आप लोगों के दर्शन किए और अच्छा अभिनय देखने को मिला। मऊगंज के सभी जितने भी नागरिक हैं सबका बड़ा सौभाग्य है कि आप लोग यहाँ आकर के हम लोगों को एक अच्छा मार्गदर्शन दिया, शबरी का चरित्र सुनाया, और एक फिर से हम लोग रिमाइंड हो गए अपने आध्यात्मिक ज्ञान से, जो कि भूल गए थे या कभी ध्यान नहीं देते थे, लेकिन आज आप लोगों ने दिखा करके फिर से उसको रिमाइंड कर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग। नमस्कार सर, आज ये बनवासी लीला आपने देखा, आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। हमने शबरी जी के चरित्र को जैसा सुना था उससे थोड़ा आगे और सुनने को मिला, देखने को मिला है, और ये जो कोरियोग्राफी हुई है, ये जो फिल्मांकन हुआ है, मऊगंज लेवल पे ऐसा कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगा हमको। मऊगंज नगरवासी इससे लाभान्वित हुए हैं, और हमारे युवाओं पर इसका असर होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और हम तो सब परिवार आए थे, हम आग्रह करेंगे कि और बहुत सारे लोग इसको देखें, पारिवारिक दृष्टिकोण से भी बहुत अच्छा है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बहुत अच्छा है, और हर दृष्टिकोण से हमारे ख्याल से बहुत अच्छा है, इसलिए हमको तो बहुत अच्छा लगा कार्यक्रम। इसमें शिवरी माता के जन्म से लेके और उनकी मृत्यु तक की कहानी दिखाई गई, जो हम सबको बहुत प्रेरित करती है इन सब में सीखने के लिए, और बहुत ही अच्छा लगा इस रंगमंच में आके। चलिए, धन्यवाद।